महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद ये विधेयक अब कानून बन चुका है। पूरे देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर खुशी की लहर है, जगह जगह कार्यक्रम किए गए। इस तरह से ही शिमला में भी महिला कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के हित में बहुत अच्छा कानून है, जिसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार है, उन्होंने इस बिल को लाया है। चलो, हमारी महिलाओं के लिए एक मान है, सम्मान है, इसके लिए हम आभारी हैं कि उन्होंने इस कदम को उठाया। पर ये सारा श्रेय इनको नहीं जाता, सारा का सारा श्रेय कांग्रेस ने ही शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर भी कहा कि आला कमान को जल्द लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा करनी चाहिए, ताकि प्रत्याशी और कार्यकर्ता फील्ड में उतरकर काम कर सके। कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया है, प्रसार किया है, और जब जब भी कांग्रेस की सरकार बनी उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत समर्थन किया, बहुत साथ दिया। इस बार भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तभी बन पाई है जब हम लोगों को, जो लोग आम आदमी जिन्होंने जाके घर घर में दस्तक दी और सभी को से निवेदन किया कि हमारी कांग्रेस का आप साथ दें, लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और हमारी सरकार जिसकी वजह से बनी है उसके लिए भी हम हिमाचल प्रदेश की जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। अब वो बात है, मैंने केंद्र सरकार में और खास करके CWC में भी ये बात उठाई थी कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से आना जाना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसकी शुरुआत जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी नाम अनाउंस होने चाहिए, ताकि हम आज से ही काम करना शुरू कर दें। वो जब संगठन की बात आएगी और उसमें मीटिंग होगी तब इसका निर्णय लिया जाएगा। महिला आरक्षण बिल कानून बनने के बाद अब देखना होगा कि पार्टी लोकसभा सीटों पर किस तरह से टिकटों का आवंटन करती है और कितनी नई महिला चेहरों को चुनावों में मौका देती है। शिमला से कमल ठाकुर, सूर्य समाचार।